नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। मैं ताऊ सिरजी फिर लेकर आ गया हूँ एक नया वीडियो। पिछले हफ्ते मौका मुझे मिला था फिटनेस एक्सपो में जाने का। वहाँ पर मैं कई बड़े बड़े स्टार से मिला, कई बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई, बहुत सारे हेल्थ और फिटनेस और लाइफस्टाइल को लेकर बॉडी बिल्डिंग स्टार्स और फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के साथ मौका मिला मुझे बात करने का। तो वहाँ पर एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर थे जिनको हम सब जानते हैं, सुहास खामकर, जिन्होंने बहुत बड़ा नाम किया इंडिया के लिए बॉडी बिल्डिंग में। उनसे भी मेरी देर तक बात हुई। ये वीडियो में मैं वही लाने वाला हूँ, आप देखेंगे बड़ा इंजॉय करेंगे। थंबनेल पे तो समझ गए कि किस बारे में वो बात कर रहे हैं। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं ये वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब बटन नहीं हिट किया है तो कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाइए, क्योंकि आई विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ स्टोरीज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड बियॉन्ड। चैंपियन एथलीट सुहास खामकर, जो मतलब उनके इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, मगर मैं बता दूं कि बहुत बड़े बॉडी बिल्डर रहे हैं। बताइए सुहास भाई कि ये बीन एन आइकन, आपने आपका बहुत बड़ा रोल रहा है इंडिया में, इतना फास्ट ग्रोथ हो रहा है, आप किसको क्रेडिट देंगे? आप व्हाट इज द रीजन एग्जैक्टली फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी बिल्डिंग इन इंडिया? ये सब इसका जो एक ही चीज बोल सकते हैं, सोशल मीडिया, आज का जो इंटरनेट का जमाना है वो, और हमारी IFBB प्रो लीग, इन चीज़ों के वजह से, इन लोगों के वजह से आज बॉडी बिल्डिंग अपने इंडिया के अंदर एक लेवल तक वो पहुंचा है। हर एक जिम में जाएंगे तो उस बॉडी बिल्डर का सपना होता है कि मैं ओलंपिक के स्टेज में खड़ा रहूं। हमारे पुराने बॉडी बिल्डर्स हो गए, अर्नोल्ड, रॉनी कोलमैन, जय कटलर, फिल हीथ, बिग रैमी, इनको देख के मोटिवेट हो रहे हैं। और ये लोग जो है ये IFBB प्रो इस फेडरेशन से बिलोंग करते हैं, और एक मैं उसका एक पार्ट हूँ। इंडिया का पहला IFBB प्रो बॉडी बिल्डर बना, और इंडिया के अंदर लोगों को मालूम पड़ा कि IFBB प्रो कार्ड क्या है, और उस कंपटीशन में जाने के लिए उसकी एंट्री कैसी होती है। और इसका जो पूरा जो क्रेडिट है वो हमारे IFBB प्रो लीग को जाता है, और मुझे लगता है आने वाला फ्यूचर जो है वो इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा है। सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं, तो जितने भी फिटनेस इंडस्ट्री से लेके कोई जो जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए ये बहुत बड़ा मार्केट है पूरे वर्ल्ड के लिए, इंडिया का। तो इसके लिए आने वाला टाइम हमारे इंडिया बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकता है। तो ये जो ऑब्वियसली रॉन्ग साइड पे जा रहे हैं, मतलब इस तरफ, मगर अगर आप लकी होते हैं कि जब आपके टाइम सोशल मीडिया ऐसा आता होता, ये कैसा है मेरा जो टाइम था उस टाइम पे, अगर मेरे को 2010-11 वो टाइम पे अगर मुझे प्रो कार्ड मिला रहता, तो मेरे बाजू में अगर बिग रामी देखेंगे, हडी चप्पन देखेंगे, कि इन लोगों के साथ मैंने स्टेज शेयर किया हुआ है। अगर वो टाइम पे अगर प्रो कार्ड मिलता तो आज के डेट में सुहास खामकर एक अलग स्टेज पे होता। लेकिन इंडिया का बॉडी बिल्डिंग और इंडिया के अंदर जो कुछ नालायक लोगों की भर्ती है, इन लोगों की वजह से वो टाइम पे मुझे प्रो कार्ड नहीं मिला। उन्होंने खुद का फ़ायदा और उनके कुछ लोगों का फ़ायदा देख के उन्होंने एक प्रो कार्ड मुझे मिलने से रोक दिया था। इस चीज़ की वजह से मेरा बैड लक था कि मुझे 2018 में प्रो कार्ड मिला, और प्रो कार्ड मिलने के बाद भी अपना बैड लक इतना था कि 2 साल तो कोरोना में ही चला गया। लेकिन आने वाले टाइम में उसकी तैयारी करने वाला हूँ मैं, थोड़ा कोरोना का ये कम हो जाए उसके बाद मैं बिल्कुल स्टेज पे दिखूंगा। परफेक्ट, ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू। काफ़ी लोगों को नालायक बोल रहे हैं, तो वो नालायक कौन है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमने इतना फॉलो नहीं किया है बॉडी बिल्डिंग। बट अगर आप जानते हैं कौन है वो नालायक जो उनको सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने नहीं दिए, तो कमेंट बॉक्स में डालिए कौन है, बताइए हमको भी पता चले। मेन स्ट्रीम स्पोर्ट तो नहीं है, बट सून इज गोना बिकम बिगर एंड बिगर एंड बेटर एंड बेटर। ही इज एमिंग बिग 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 इन वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की तरफ से। मैं ताऊ सिरजी भी ऐसी ही बहुत सारी स्टोरीज लेकर आऊँगा आपके पास। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और बाय द वे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए हमारे चैनल को, और फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम पर @rijviताऊ, उसमें बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सारे अपडेट्स करने वाला हूँ और समथिंग न्यू इज कमिंग अप। तो बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिए। नाउ इट्स गुड बाय।